पत्रकारों के हितों की आवाज उठाने वाले संगठन श्रमजीवी न्यूज पोर्टल संघ के द्वारा आज अपनी कुछ मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मुलाकात की गई और उनसे कुछ मांगों को लेकर चर्चा करते हुए 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन में दी गई मांगों को पूरा करने की मांग की गई। साथ ही जिला कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन में की गई मांगों पर गहनता से विचार करते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। दरअसल ज्ञापन के माध्यम से संस्था के अधिकृत फोटोग्राफर कैमरामैन रिपोर्टर्स को आर्थिक मदद सहित जिले की सीमा के अंदर आने वाले सारे टोल नाकों पर टोल फ्री करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के दौरान संघ के सदस्य सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। आज माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष एक ज्ञापन श्रमजीवी न्यूज पोर्टल संघ द्वारा दिया गया है, जिस पर हमारी मांग है कि शहर में अधिकृत जो संस्थान से प्रेस फोटोग्राफर्स रिपोर्टर्स एवं ब्यूरो है, उन्हें टोल नाके में जो टोल दिया जाता है, जो जबलपुर की सीमा के अंतर्गत आता है, उस टोल में छूट दी जाए। साथ ही हमारी दूसरी मांग ये है कि कोरोना काल में फोटोग्राफर भाइयों को शासन द्वारा कोई राहत राशि मिली नहीं है और इस दौरान अगर उनको निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता है तो उन्हें पूरी फीस वहाँ की देनी होती है। इसलिए जबलपुर में कुछ निजी अस्पतालों में पत्रकारों को छूट प्रदान की जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि प्रेस फोटोग्राफर एवं रिपोर्टरों के लिए एक स्वतंत्र कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया जाए, जिसमें हर फोटोग्राफर भाई एवं रिपोर्टर कोरोना वैक्सीन का लाभ ले सके। ये समक्ष मांगों के साथ आज हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है और बातचीत की है और जल्दी इस पर निर्णय लेने के लिए कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है।